पता था वो नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने राज्य करने के लिए बना दिया। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को राज्य करने के लिए प्रपोजल बना के दे दिया, उनको पता था वो पैसा नहीं देंगे। उनको भी पता है कि अगर हमने ये पैसा दे दिया तो लोग वोट कांग्रेस को दे देंगे, बताया तो था, शक्तिमान ही गंगाधर है। उसका फोक्स कर लिया गया सर। 15 दिन साहब को दिल्ली भेजी गई है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की वार्ता है, दो स्टेट के बीच की बातें हैं। और केजरीवाल साहब ने भगवंत मान जी को भी निर्देश दे दिए कि इसकी जांच करवाई जाए, चेक करवाई जाए, जो भी ये केमिकल वाला पंजाब का पानी राजस्थान में आ रहा है, जिसको पीने के पानी में एक तरह से जहर घुल के आ रहा है, उसको किस तरह से और रिफाइंड किया जाए, या उस पानी को वहीं पर खपत कैसे किया जाए। क्योंकि ये काम आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नियत नहीं थी करने की, नियत होती तो शायद ये होता। अब नियत बनी है, तो आपने तो आज सवाल किया, आज से 15 दिन पहले ही ये चीज़ों को भेज दिया गया था और वहाँ पे उस इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। राजस्थान में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये काम और ज़्यादा आसान ईजी हो जाएगा, जिससे ये इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। आपने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या भूमिका आपकी क्या रहेगी इस पार्टी की? भूमिका अभी तो यही है कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो चीज़ों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की, बेरोजगारी पे, उसके ऊपर आप काम करोगे, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और अभी तक तो यही इरादा है कि जो भी जहां भी ड्यूटी लगाएंगे वहां पे उस हिसाब से हम लोगों को जागरूक करेंगे और ये काम करवाएंगे। देखिए ऐसा, ये लोगों का प्यार है। सूरतगढ़ में भी बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। संगरिया में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि ख्याली के रूप में हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। हनुमानगढ़ में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया। ये तो देखिए उन आम जनता का प्यार है। अब तक मैंने जनता से लिया ही लिया है। मैं एक मामूली मजदूर परिवार में पैदा हुआ, भेड़ बकरियाँ चराई, कपड़ा मिल में मजदूरी की, नाटक सीखे, तो लोगों ने ताड़ियाँ बजाई, आशीर्वाद दिया, उनका प्यार इतना मिलता रहा कि मैं टीवी में, फिल्मों में पहुँचा, एक सैनिक स्कूल का निर्माण करवाया, सोशल में मैं आज भी लगभग 5,000 लोगों के आँखों का ऑपरेशन करवा चुका हूँ, कितने स्पाइन इंजरी पेशेंट का इलाज करवा चुका हूँ, और एजुकेशन के मामले में हम रूरल एरिया में बहुत सारे स्कूलों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने जनता से अब तक लिए ही लिया है, आशीर्वाद स्वरूप लिया ही है, मैंने दिए क्या है। अब मेरी बारी आई है कि मैं भी जनता की सेवा कर सकूं। इसके लिए मुझे केजरीवाल मॉडल बहुत अच्छा लगा, आम आदमी पार्टी की सोच विचार बहुत अच्छे लगे। तो ये जब इनका काम हो रहा है तो हम वैसे ही मंत्री हैं, काम होने चाहिए लोगों के, कोई ज़रूरी नहीं है कि मंत्री बन के कराएं। नीयत अच्छी होगी तो बिना मंत्री बिना MLA बने हम काम बहुत सारे करवा सकते हैं। तो ख्याली जी आप पार्टी में स्वयं आए, जब प्रेरणा किससे मिली आपको? सर एक हरियाणवी कहावत है ना, कि रुंड ने खुंडो आप ही ढूंढ लिया। तो मैं सेवा करता ही था, ये भी सेवा भावी पार्टी थी। जब मुलाकात हुई, विचार मिले, तो धीरे धीरे फिर आगे की संभावनाएं शुरू हो गई। जैसे ख्याली जी ने बताया, वैसे मेरा भी कभी चुनाव लड़ने था या किसी पद का हमारा नहीं रहा लक्ष्य, अब इसलिए आना पड़ा कि अगर आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप देख रहे हैं तो ये देश निर्दोषता की तरफ जा सकता है। इस देश में डिक्टेटरशिप आ रही है, इतने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आयोग थे उन सब पे कब्जा हो चुका है, संविधान की तरफ इनके पैर चले हुए हैं। इस देश के प्रजातंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है, और इस देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा है। अगर आज एक बुद्धिजीवी चुप रहता है तो मैं सोचता हूँ वो भागी होगा इस निरंकुशता के लिए। मैं तो आम आदमी पार्टी हर कार्यकर्ता से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं घर रपराज है इसके मेरे अपने कारण थे, लेकिन अब हमें आना पड़ा क्योंकि इस ऐसी स्थिति में हम पार्टी को सुनना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देश में डिक्टेटरशिप आई हुई है। अब इसको कोई रोक सकती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। BJP के सामने आज कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं, और मैं तो इस आपके चैनल्स की मार्फत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं सैनिकों को, हमारे आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं हमारे सैनिक है, और फ्रंट पर जाके लड़ते हैं, उनको ये मेरी तरफ से बड़ा होने के नाते संदेश देना चाहता हूँ कि अब हमारी लड़ाई जीतने की नहीं है, हमारी लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, हमारी लड़ाई इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की है। तो जितनी हमारे में ताकत है हमें लगा देनी चाहिए। नड्डा जी ने तो लगभग कल अपने शब्दों में इस बात की हार मान ली है कि पंजाब के सीमावर्ती जिले यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पर BJP को खतरा है। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, कि यहाँ पर हमें खतरा है। खतरा किस लिए है कि यहाँ पंजाबी करंट है, पंजाबी खून गर्म है, और पंजाबी खून परिवर्तन लाना जानता है। उनको खतरा इस बात से है कि यहाँ परिवर्तन आएगा, और निसंदेह अगर ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये इनकी नीतियाँ रही। मैं एक और क्षमा के साथ चाहूँगा, बहुत बड़े आदमी हैं वो, सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कल शब्द क्या थे कि भारत भी भिकमंगों का देश है। भारत ये कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो। मैं कहता हूँ
हम एक तरफ तो आपके प्रधानमंत्री तो भारत की स्थापित करने जा रहे हो भवन प्रतिष्ठा को, और आप इस देश को भिखमंगा बता रहे हैं। आप भूल गए शास्त्री जी के समय में क्या किया गया था, तो अमेरिका ने जो अनाज के लिए कहा था शास्त्री जी ने एक लाइन में उसको ठुकरा दिया था और विजय अवर शुरू किया और मैंने अमेरिका में मुंह पे मारा था। कम से कम अपने स्टेटमेंट में अपने देश को चिन्हित मत करो। होगा कोई भिखारी आपकी पार्टी में होगा कहीं होगा, लेकिन ये देश और इस देश के किसान भिखारी नहीं है। हम पेट भर सकते हैं, हमारा भी और हमारे पड़ोसी देशों का भी। जब उन्होंने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में खतरा है, तो आप सोचो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी से इतना डर गई शुरुआत में। जी सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जब इसकी जरूर टाइम आएगा तो इसका जरूर हम खुलासा करेंगे। अभी क्या बात होती है उनकी, क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद ही कोई इस पे बात करना उचित रहेगा। इसे ही ख़त्म हो गई, जो अच्छा लगे वो पूछो और जो अच्छा लगे वो छापो, क्योंकि आज जो 13,000 लोग धारा 124A के कारण बंद है, जिनपे झूठे राजद्रोह के मुकदमे किए गए थे, उसमें 6,000 तो पत्रकार लोग ही हैं, क्योंकि उनके कलम को रोकने की कोशिश की गई कि जनता की आवाज़ कोई सरकार के सामने उठाए ना। तो अब आप निसंकोच होकर निधड़क होकर पूछिए, ये रात ही समाप्त हुई है। मैं तो परसों रात को हम टाइम से सो गए थे तो 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया, और रात हम उस चक्कर में नींद नहीं आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि धारा 124A को पोस्टपोन किया गया, ताकि इस तरह के राजद्रोही मामले झूठे ना बने। नशे को रोकने के लिए हम ऑलरेडी, आपको पता है मैं इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने राजस्थान पुलिस के साथ कितने लाइव इवेंट किए नशे के, उसके साथ ऑनलाइन जो शोज मेरे अलवर पुलिस के साथ भी हुए, चूरू पुलिस के साथ, हनुमानगढ़ पुलिस के साथ हमने पिछले महीने किया। तो बिल्कुल ये प्रयास यही रहेगा, आज जो नशे का कंट्रोल पंजाब में हुआ है उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा है, और हमारे एक यहाँ सबसे अच्छी बात है कि मेडिकली नशा थोड़ा कम है बाकी जगह के बजाय, तो उसको हम और लोगों को जागरूक करेंगे। नशा देखिए एक बीमारी है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और उनको जागरूक किया जाए, तभी ये छूट सकता है। और हम बॉर्डर के लोग हैं, हमें हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को फौजी महसूस करें, हमारी कब देश को ज़रूरत पड़ जाए। तो नशे से हमेशा युवा दूर रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पलिंडे भी बांध के रखें ताकि पक्षी पानी पी सकें, पेड़ पौधे लगाएं खूब, अब थोड़े दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है ताकि हमारा वातावरण थोड़ा शुद्ध रहे। ये चीज़ें नॉर्मल है आम आदमी के लिए, ये हमें करते रहना चाहिए। इन लोगों इनके लिए सरकार कभी कोई जागरूक करती नहीं है, जो हम कोशिश करेंगे कि सरकार बने ना बने आम आदमी की जागरूकता का जश्न जारी रहे। कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की थी राजस्थान में, और केंद्र सरकार ने एनपीएस का पैसा लुटाने से मना कर दिया है, तो क्या कांग्रेस का कदम ठीक है? पुरानी पेंशन दी है और केंद्र सरकार एनपीएस का पैसा भेज रही है, उनको पता था वो नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने राजी करने के लिए बना दिया। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को राज्य करने के लिए प्रपोजल बना के दे दिया, उनको पता था वो पैसा नहीं देंगे। उनको भी पता है कि अगर हमने ये पैसा दे दिया तो लोग वोट कांग्रेस को दे देंगे, बताया तो था, शक्तिमान ही गंगाधर है, एक ही है दोनों। अलवर के अंदर बीजेपी का बोर्ड है, अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, मंदिर भी तोड़ दिए उसमें, और वो उसी के नाम पर दंगे करवा दिए, जी देखो जी मंदिर टूट रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तो वो शक्तिमान ही गंगाधर है सर। साला सर गेट के ऊपर जो भारत सरकार की सड़क बन रही थी उसका अतिक्रमण हटाने के लिए वो गेट तोड़ा गया, ऊपर राम परिवार का फोटो लगा हुआ था वो तोड़ा गया, और उसके बाद उन दोनों ने दंगे शुरू कर दिए, देखो जी राम की मूर्ति तोड़ दी, ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया। तो हर बार ये चीज़ें नहीं चलती, ये दोनों एक ही है सर, शक्तिमान गंगाधर है, दोनों ही नहीं करना चाहते। सेम राजस्थानी भाषा के साथ भी इसी तरह से अन्याय हुआ, राजस्थानी भाषा का इन्होंने प्रपोजल बना के भेजा, उन्होंने आगे रोक लगा दी। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने बना के भेजा तो बीजेपी ने रोक लगा दी, जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी उन्होंने बना के भेजा तो वहाँ कांग्रेस ने रोक लगा दी। सर शक्तिमान गंगाधर है। पहले साल जो है कांग्रेस पर कटाक्ष करते बहुत नजर आते हैं वीडियो के अंदर, आप एक लापता चैंपियन भी है, अब आप पार्टी में आ गए हैं, तो क्या आप पार्टी के अंदर जो कमियां होगी उसको भी आप इसके जरिए दिखाने का? बिल्कुल, देखो देखो सर, कमी तो तभी सुधरेगी अगर हम उस कमियों को छुपाने लग जाएंगे, तो सुधरेगी कैसे? आपने एक चीज़ देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का डिसिप्लिन देखा होगा, उनका मैनेजमेंट देखा होगा, इतने इतने बड़ी अभी हिमाचल में भी सभा हुई, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी गए, कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन कहीं कोई एक टैन तक की आवाज़ नहीं आई। गुजरात के अंदर इतना बड़ा महोत्सव हुआ, इतना बड़े रैली निकाली गई, इतनी बड़ी
बड़ी जनसंख्या में 50,000 लोग इकट्ठे हुए। यही तो कारण है कि डिसिप्लिन अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमारा डिसिप्लिन अनुशासन टूटेगा तो ये बुजुर्ग लोग इसीलिए तो बैठे हैं कि वो हमें समझाए, डांटे, बताएं, और उस पर भी हम स्टायर करेंगे। ये थोड़ी है कि हमारे बच्चों को तो गलती करते रहो और दूसरे ना करें, ऐसे नहीं होता ना सर। सबके लिए बराबर है। अगर वो अनुशासन तोड़ते हैं, हमें बुरा लगता है, तो हम अनुशासन तोड़ेंगे तो लोगों को भी बुरा लगेगा। हम किसी को बात बनाने का मौका क्यों दें?